हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यूज सेक्चर में हमने मेल्टिंग uh, मेल्टिंग है When solid state into the state. इस को हम मेल्टिंग के नाम से जानते हैं और जिस टम्परेचर पे मेल्टिंग प्रोसेस uh, होती है इस टम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं यानी मेल्टिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है इस मेल्टिंग पॉइंट को हमने आइस के एग्जांपल से अंडरस्टैंड किया जब हम सॉलिड वाटर यानी आइस को जीरो डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू टू दिक्विड वाटर जो इस जीरो डिग्री सेल्सियस है दिस जीरोस दिस्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर दैट इज आइस लेकिन कंडीशन क्या है जो हमने यहां पे जीरो डिग्री अप्लाई किया है इट शुड बी अप्लाइड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी जो प्रेशर है सिस्टम का इस आइस का जो प्रेशर है इट शुड बी सेवन हंड्रेड सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी यानी इस प्रेशर पे हम जब जीरो डिग्री सेल्सियस हीट देते हैं टेम्परेचर राइज करते हैं इस आइस का इट कन्वर्ट्स इन टू दिक्विड वाटर लिक्विड वाटर फिर हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अंडरस्टैंड किया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या होती है देखिए स्टूडेंट सपोज हमारा आइस टू डिग्री सेल्सियस पे है इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया इस आइस का इसको हमने माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड से, डिग्री सेल्सियस पे लिया जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जो इस आइस का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है जब हम फर्दर टेम्परेचर हीट सप्लाई करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सपोज जीरो डिग्री सेल्सियस पे

फिर ये हीट कहाँ होती है ये कहां पे छुपती है? अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा, हमने बोला जब हम हीट इस आइस को अप्लाई करते हैं, पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एनर्जी इंक्रीजेस एंड फोर्स ऑफ डिक्रीजेस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे हीट अप्लाई किया

फ्रीजिंग क्या है और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इस फ्रीजिंग पे फ्रीजिंग भी एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड यानी जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं इसको हमने मेल्टिंग के नाम से जाना दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग जब हम इसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं इसी प्रोसेस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग द देख देखिए स्टेट जब हमने सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ जब हम इसी लिक्विड को टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड और जिसम्परेचर पेड सॉलिड में कन्वर्ट होता है इस को हम फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट एटमोस्फेरिक प्रेशर पर डिफाइन होता है इसी तरह जो फ्रीजिंग पॉइंट है यह भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिफाइन होता है इसका मतलब जब हम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं एट जीरो डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम शुड बी एटमोसफेरिक प्रेशर द प्रेशर ऑफ द सिस्टम शुड बी एटमोसफेरिक प्रेशर इसी तरह जब हम लिक्विड को आइस में कन्वर्ट करते हैं द प्रेशर ऑफ द सिस्टम शुड बी एटमोसफेरिक प्रेशर देखिए स्टूडेंट जो फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ये सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का सेम होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आइस का मेल्टिंग पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस है तो जो इसका लिक्विड फॉर्म है पॉइंट हम लिक्विड के लिए डिफाइन करते हैं मेल्टिंग पॉइंट हम सॉलिड स्टेट के लिए डिफाइन करते हैं कहने का मतलब यह है जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है किसी भी स्टेट का

अगर हम आइस को लेंगे जो आइस है एट जीरो इंटर कन्वर्शन होता है एट द सेम टाइम जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट द सेम टाइम द लिक्विड कन्वर्ट इन टू द आइस सो जो सॉलिड स्टेट है लिक्विड स्टेट है दर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम एट जीरो डिग्री सेल्सियस

वट एक्चुअली डज दिस टेचर हेयर अब हम इस प्रोसेस को यहाँ पे अंडरस्टेंड करने की कोशिश करेंगे देखिए स्टूडेंट हमने यहां अंडरस्टैंड करना है ये टेम्परेचर क्या करता है इस लिक्विड स्टेट का सो दैट इट कन्वर्ट दॉलिड स्टेट एट फ्रीजिंग पॉइंट देखिए लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही दूर होते हैं आपस में एज कंपेयर टू दॉलिड सॉल्ड में जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होते हैं यहाँ पे दूर होते हैं पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज जब हम इस लिक्विड को यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं वी डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड स्टेट जो काइनेटिक एनर्जी है इन पार्टिकल्स की वो डिक्रीज होती है यानी जो यहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वो बहुत ही स्लो मोशन में यहाँ पे डिक्रीज डिक्रीज मोशन में यहाँ पे मोशन शो करने लगते हैं विद दिस रिजल्ट जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज होता है जो ये पार्टिकल्स है ये आपस में क्लोज आने लगते हैं एंड अल्टीमेटली जब यहाँ पे ये यह पोजिशन आती है इन पार्टिकल्स की ये पोजिशन इट कन्वर्ट इन टू दॉलिड स्टेट यही टेम्परेचर का काम है इट डिक्रीज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी विद डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे पार्टिकल्स है, है वो स्लो होने लगती है इस स्लो मोशन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन पार्टिकल्स के बीच में वो यहाँ पे डिक्रीज होता है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इंक्रीज की, की वजह से जो यहाँ पे पार्टिकल्स है वो क्लोज आने लगते हैं क्लोज आने लगते हैं जब

सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट यानी मेल्टिंग प्रोसेस में जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो यहाँ पे हमने देनी होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी यहाँ पे हमें कुछ हीट देना पड़ता है सॉल्ड स्टेट को जो हीट यहाँ पे सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करता है लेकिन फ्रीजिंग में क्या होता है फ्रीजिंग में एक्चुअली जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये यहाँ पे रिलीज होता है रिलीज होता है देन लिक्विड चेंजेस सॉलिड स्टेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज रिलीज कूलिंग इफेक्ट ऑफ सॉलिड स्टेट जब हम अगर हम आइस की बात करें और लिक्विड वाटर की बात करें अगर हम इन दोनों स्टेट्स को जीरो डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं जो कूलिंग इफेक्ट होगा यहाँ पे आइस का वो ज्यादा होगा क्योंकि यहां पे जो ए, है आइस है इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एनवामेंट

स्टेट प्योर मैटर को लेते हैं जब हम इसमें इंप्योरिटीज ऐड करते हैं जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट अगर हम लिक्विड वाटर को लेंगे लिक्विड वाटर लिक्विड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है दैट इज जीरो डिग्री सेल्सियस जीरो डिग्री सेल्सियस जब हम इसी लिक्विड वाटर में एन ए सी एल एड करते हैं यानी सॉल्ट एनए सी एल जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो फर्दर डिक्रीज होता है दैट डिक्रीज़ यानी यानी जब अब इस का plus, uh, का लिक्विड वाटर प्लस साल्ट जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सपोज माइनस टू डिग्री सेल्सियस होगा माइनस टू डिग्री सेल्सियस होगा एक्चुअली वाई दिस टेक्स प्लेस ये uh, आगे आप स्टडी करोगे एक्चुअली दिस डिक्रीज प्रेशर जब हम इस साल्टे लिक्विड वाटर में जब ये साल्ट एड करते हैं इट डिक्रीज द्रेशर ऑफ दिस लिक्विड वाटर

जो वेपर प्रेशर है इस सॉल्वेंट का वो यहाँ पे डिक्रीज होता है हम उसको मेल्ट करने के लिए यहाँ पे साल्ट ऐड करते हैं साल्ट क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर माइनस टू डिग्री सेल्सियस है इस टेम्परेचर पे जो रोड्स पे जो वाटर है वो यहाँ पे फ्रीज होता है जब हम इसी रोड्स पे साल्ट ऐड करते हैं साल्ट एट माइनस टू डिग्री सेल्सियस जो इस साल्ट प्लस इस आइस का जो मेल्ट इस वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज होगा यानी अब वो माइनस फोर डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करने लगेगा यानी माइनस टू डिग्री सेल्सियस पे जो स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा यानी वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि साल्ट ऐड करने से जो फ्रीजिंग पॉइंट है इस वाटर का वो डिक्रीज होता है वो माइनस फोर पे चले जाएगा माइनस टू पे जो आइस है हमारा वो मेल्ट होने लगता है व्हेन वी ऐड द साल्ट टू द आइस हियर आई होप इतने कॉन्सेप्ट्स आपने अंडरस्टैंड किए होंगे जो एक्सटेंट है लवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट द एक्सटेंट ऑफ लवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज इंप्योरिटीज इंप्योरिटी यानी कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है करने से वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द यानी किस किस्म का हमने लिया हमने शुगर लिया शुगर लिया हमने साल्ट लिया या हमने कोई और इम्प्योरिटी इसमें ऐड किया एंड द अमाउंट ऑफ दूरिटीज ऐड और कितना हमने ऐड किया यानी फॉर एग्जांपल देखिए स्टेंट हम यहाँ पे लिक्विड वाटर लेंगे इस लिक्विड वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज जीरो डिग्री सेल्सियस अब हम इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करने लगेंगे इम्प्यूरिटीज इस इंप्योरिटीज में कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा यह डिपेंड करता है हमने कौन सा इम्प्योरिटी ऐड किया और कितना इम्प्योरिटी ऐड किया सपोज हमने साल्ट को ऐड किया साल्ट हमने टू के जी ऑफ साल्ट को ऐड किया तब इसका फीजिंग पॉइंट माइनस टू डिग्री सेल्सियस पे चले जाएगा अब हमने थ्री के जी ऑफ साल्ट को ऐड किया इसका टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज हो जाएगा माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस पे आप फ्रीज करने लगेगा अब हमने शुगर को ऐड किया इस शुगर को को ऐड करने से जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है सपोज वो माइनस टू पॉइंट करता है नेचर ऑफ द किस किस्म का हमने दूरिटी ऐड किया और कितना ऐड किया इस तरह से जो ये फ्रीजिंग पॉइंट है ये इफेक्ट होता है आई होप ये भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट जब हम प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करते हैं जब हम प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइस जो हमारा आइस है सेवन सपोज uh, हमने लिक्विड वाटर लेना है सॉरी लिक्विड वाटर है लिक्विड वाटर जब हम लिक्विड वाटर को सेवन हंड्रेड सिक्सटी यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर पे लेते हैं जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज जीरो डिग्री सेल्सियस जब हम इसी प्रेशर को इंक्रीज करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं सपोज हमने अब 800 हंड्रेड एम एम एच जी पे लिया ये लिक्विड वाटर अब ये माइनस टू डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करने लगेगा मतलब ये एक्यूरेट डाटा नहीं है मैं एक्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं जब हम यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट है डिक्रीज दीज आर द फ्यू पॉइंट्स अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट आई होप आपने ये सारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए होंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग